हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा फेस मास्क। ये जो फेस मास्क है वो मतलब सारे स्किन की जो प्रॉब्लम है उसका एकमात्र सोल्यूशन है। तो वो फेस मास्क मैं बताने जा रही हूँ कि इसमें मतलब इसके क्या बेनिफिट है और इससे रिलेटेड क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसका नाम है सिया सीड। सिया सीड मैं आपको बता दूंगी कि कैसा दिखता है और ये मतलब कैसे लगाते हैं। तो इसके पहले मैं फायदे बताती हूँ कि सिया सीड जो होता है, अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि सिया सीड जो होता है वो सिर्फ खाने में ही और सेहत के लिए फायदेमंद है, बट ये स्किन के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होता है, तो ये स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसमें जो कोलाजन मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो फेस पैक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। बताने से पहले मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि पैक बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ लेनी होगी वो लेना होगा सिया सीड्स। ये सिया सीड्स है, आप कहीं भी किसी भी शॉप पे आप जाके नॉर्मल ले सकते हैं। सिया सीड्स लेना है। सिया सीड्स लेने के बाद किसी भी कटोरी में इसको डिप करके ऐसे ले लेना है, और डिप करने के बाद 20 से 22 मिनट तक इसको ऐसे ही डिप करके छोड़ देना है। ये एक जेल टाइप का बन जाएगा। जो सिया सीड्स होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है और ये स्किन को हाइड्रेट करता है, मतलब नेचुरल मॉइस्चराइज करता है। और उसके बाद जब ऐसे जेल बन जाए तो इसमें आपको दो चीज सिर्फ मिलानी होगी। वो पहला जो आपको मिलाना होगा वो होगा आपको हनी डाल देना है और इसको ऐसे नॉर्मल मिक्स कर देना है अच्छे से। उसके बाद आपको करना होगा कि आप अगर आपके पास ओलिव ऑयल ऑयल मतलब तेल है तो आप उसको डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे मेरे पास बादाम रोगन तेल है तो मैं उसी को डालूंगी। बिकॉज मतलब अलग अलग स्किन होती है और स्किन पे आपके अगर बादाम तेल सूट करता है तो बादाम तेल डाल लीजिए, अगर आपको ऑलिव ऑयल सूट करता है तो ऑलिव ऑयल डाल लीजिए। इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये ऐसे देखिए, आप देख सकते हैं कि ऐसे एक जेल टाइप का ये बन गया है। इसमें प्रचुर मात्रा में कोलाजन है, तो आपको अलग से अगर आप इस फेस पैक को लगाते हैं तो आपको अलग से कोलाजन वाली क्रीम या कुछ लगाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे आपको नॉर्मल स्किन पे लगाना है और लगा के आपको 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। और मैं एक चीज ध्यान रहे कि मैं बताना भूल गई थी कि अगर जिनको पिंपल है स्किन पे ज्यादा मतलब दाग धब्बे हैं वो इसमें टी ट्री ऑयल भी डाल सकते हैं, बट मेरे स्किन पे ऐसा कुछ है नहीं तो मैंने ऐसा कुछ डाला नहीं। अगर आप पे है तो आप इसमें डाल सकते हैं। और इसको डालने के बाद और सप्ताह में 2 बार आप लगा के देखिए, आपकी स्किन की जो सारी प्रॉब्लम होगी वो सारी दूर होंगी। और मतलब जो आपके स्किन पे एक अलग सा नेचुरल नूर जो आएगा, एक चमक आएगी, वो आपको मतलब कोई क्रीम लगा के नहीं आएगी, नेचुरल ही आपको आपके स्किन पे एक अलग सा नूर दिखाई देगा। तो ये आपको सिर्फ लगाना है सप्ताह में 2 दिन। 2 दिन लगा के आप अपने स्किन मतलब स्किन टोन में फर्क नोटिस कर सकते हैं। ट्राई करें। मैं धोने के बाद 20 मिनट इसको रखना है। धोने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। आपको क्या करना है कि 20 मिनट रखने के बाद आपको स्किन को धोना है। धोने के बाद आप खुद ही फर्क देख सकते हैं। मैंने आधे घंटे तक रखा था क्योंकि ये जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है और इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप 20-25 मिनट में भी धो सकते हैं। सप्ताह में अगर 2 दिन तक भी लगाते हैं तो आपके स्किन टोन में खुद ही फर्क फील होगा। और फ्रेंड, सबसे जरूरी बात ये थी कि अगर आप इसको नॉर्मल ऐसे बनाते हैं, इसमें पानी अगर ज्यादा कर देते हैं तो इसकी लिक्विड जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, वो स्किन पे रुकेगी नहीं। तो इसको आप जितना आप स्पून में सिया सीड लेते हैं उतना ही आपको पानी लेना होता है और इसको गाढ़ा लेप बनाना होता है। इसको भिंगोने से पहले उसको थोड़ा सा दरदरा कर देंगे तो ज्यादा ही गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। और सही, ये है हमारा आज का मतलब होममेड रेमेडी और ये बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट मतलब देगा आपको अगर आप लगाते हैं, यूज करते हैं और सारे स्किन के लिए है। तो प्लीज अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।